catalysis. Previously, we have seen many methods through which the rate of reaction R को affect किया जा सकता है. हमने start किया था nature of reactants से कि reactants जो हैं वो किस किस्म के हैं, इससे फर्क पड़ता है कि rate of reaction slow होगा या तेज होगा. For example, solid liquid gas, types of bonding, number of bonding and इस किस्म की जो बातें थी, this was nature of reactants. Then we said concentration of reactants. कंसेंट्रेशन वाली जो बात है ये तो बहुत डेफिनेटली ऑब्वियस है, क्योंकि रिएक्टेंट्स ने मिल ही के तो रिएक्शन करना है. तो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन होगी, स्पेशली वो रिएक्टेंट्स जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हैवीली डिपेंड करता है. देन यू हैव सरफेस एरिया. सरफेस एरिया हम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोज एरिया बात करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपस में जितना उनका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन करने की जो लोकेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी और फिर तेज़ रिएक्शन हो जाएगा. फोर्थ वी सेड लाइट. लाइट बेसिकली प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर एक्टिवेशन एंड एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज. द फाइनल इफेक्ट वॉज सीन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी विच कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीजेज द इफेक्टिव कोलिजन्स. एंड इफेक्टिव कोलिजन्स जो जो बढ़ते हैं उसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी इंक्रीज करना शुरू हो जाता है. एंड दिस इफेक्ट इज सीन नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स के एज अ फंक्शन ऑफ आर्हेनियस कॉन्स्टेंट ए एंड द एक्टिवेशन एनर्जी आर बाय टी वन, नॉट लेट्स से टी, वेयर टी इज द टेम्परेचर एंड आर इज द गैस कॉन्स्टेंट. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द आर्हेनियस इक्वेशन. इससे पहले हमने खासी डिटेल के अंदर आर्हेनियस इक्वेशन को डिस्क्राइब किया है. इन तमाम मेथड्स के साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है. सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डाल रहा है आपके ख्याल में, इसमें सबसे ज़्यादा फर्क किस चीज़ से पड़ रहा है, जो आपके हाथ में होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने रिएक्शन करवाना है HCl का, इसको आपने ऑक्सीडाइज करवाना है. ठीक है, लेट मी राइट दिस रिएक्शन एट द बॉटम, लेट्स कम डाउन ओवर हियर. आपने HCl का रिएक्शन करवाना है विद ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आपने HCl को ऑक्सीडाइज करवाना है एंड यू वॉन्ट क्लोरीन गैस. ठीक है, आपने HCl को इन अदर वर्ड्स क्लोरीन गैस में चेंज करना है, एंड साथ में इस प्रोसेस में बेसिकली वाटर जो है वो भी प्रोड्यूस होता है. दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. हियर यू हैव 4 एंड हियर यू हैव 2 एंड 2, इफ यू वॉन्ट टू राइट इट एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ इट्स कम्प्लीटली बैलेंस्ड. आप इस रिएक्शन को तेज करना चाहते हो. अब इसका, इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा और उसके हिसाब से इसकी कोई ना कोई रेट इक्वेशन बन रही होगी. फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देता हूँ कि इसकी रेट इक्वेशन बन रही है HCl की पावर 2 इंटू ऑक्सीजन की पावर 1. नाउ इट्स अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, ऑर्डर इसका ऐसे पता चलता है, दिस नंबर प्लस दिस नंबर, सो ऑर्डर इज इक्वल टू 3. इट्स अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. HCl के ऊपर बहुत हैविली डिपेंडेंट है और ऑक्सीजन के ऊपर भी किसी हद तक डिपेंडेंट है. नाउ फॉर दिस रिएक्शन, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहते हो, आपके पास अगर HCl की अमाउंट और ऑक्सीजन की अमाउंट भी फिक्स्ड है, अब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं कर सकते. और आप देखो क्या क्या आप बदल सकते हो. नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स भी नहीं आप बदल सकते, क्योंकि वो तो जो है वो वही है. अब ऑक्सीजन गैस है, आप उसको सॉलिड तो नहीं बना सकते ना. ऑक्सीजन गैस तो सॉलिड की फॉर्म में आप बना भी नहीं सकोगे, वो तो गैसियस ही होगी. ठीक है, बॉन्डिंग भी आप ऑक्सीजन की नहीं चेंज कर सकते, वो तो जो है वो वही है. इसका मतलब है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे आपके हाथ में नहीं है, ये तो जो है वो वही रहेगी. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है, हाँ, ये किसी हद तक आपके हाथ में होती है. यानी अगर आप HCl को ज़्यादा डालना शुरू कर दो, क्योंकि HCl जो है वो उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है रेट, तो अब HCl अगर आप ज़्यादा डालोगे तो आपके पास फिर ऑक्सीजन भी ज़्यादा बनेगा. ऑक्सीजन कह रहा हूँ, क्लोरीन गैस भी ज़्यादा बनेगी. बट अगेन, अगर आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन पे भी कोई खास फर्क आप नहीं डाल सकते. सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आप कैसे बढ़ाओगे. सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सॉलिड है तो आप उसको अगर पाउडर्ड फॉर्म में कर दो तो जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ जाता है. अब प्रॉब्लम ये है कि ना तो HCl सॉलिड फॉर्म में होगा और ना ही ऑक्सीजन गैस सॉलिड फॉर्म में. सरफेस एरिया आपके हाथ में नहीं है, सरफेस एरिया तो आप बढ़ा ही नहीं सकते. लाइट के ऊपर क्या कोई फर्क डाला जा सकता है. लाइट के ऊपर, लाइट आप हल्की सी डाल भी दोगे, हो सकता है लाइट से इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिले ही ना कि इसका रिएक्शन हो. एक ही चीज बच जाती है, टेम्परेचर रेज कर दें. ठीक है,
टेम्परेचर रेज करना हमारे हाथ में हमेशा होता है, हम हमेशा टेम्परेचर थोड़ा सा रेज कर सकते हैं, हीट सप्लाई कर देते हैं। और आप प्रीवियसली पढ़ चुके हो, जो इसे लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि अगर हम लोग 300 केल्विन से 600 केल्विन तक अगर टेम्परेचर रेज करें, ठीक है, इसको 6 को ठीक से लिख लेते हैं, 300 से अगर 600 रेज करें, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री सेल्सियस, नॉट अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली 27 से आप 327 डिग्री सेल्सियस पे आप टेम्परेचर को लेके आए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 1.7 बिलियन टाइम्स इंक्रीज कर जाता, ठीक है। तो बाकी सारे फैक्टर्स तो आप समझें कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ रहा है वो बेसिकली टेम्परेचर से पड़ रहा है, तो फिर तो सारा मसला ही हल हो गया। फिर तो हमें हर रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए, ऐसा ही है। अगर आपने रेट बढ़ाना है तो क्या हम हमेशा टेम्परेचर बढ़ा दिया करें? ये तो आसान हल निकल आया, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह, फॉर एग्जाम्पल, रूम टेम्परेचर के ऊपर आप ये रिएक्शन कर रहे हो, वो तो हुए जा रहा है। अगर आपने टेम्परेचर इसका फॉर एग्जाम्पल 120 से ज्यादा करना शुरू किया, मिसाल दे रहा हूं, तो आपको पता चला कि HCl जो है वो कुछ और बनाना शुरू कर दिया है उसने, ठीक है, वो उसने HOCl बनाना शुरू कर दिया रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, और आपको तो Cl2 गैस चाहिए थी, वो तो कुछ और उसने बनाना शुरू कर दिया रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज आपने टेम्परेचर एक खास हद से ज्यादा कर दिया। अब होता यह है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, इन अदर वर्ड्स उनकी थर्मल डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। आप ज्यादा टेम्परेचर एक हद से ज्यादा दे दो ना, तो उनका वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और फिर वो जो रिएक्शन आप करवाना चाह रहे थे फिर वो नहीं होगा, समथिंग एल्स स्टार्ट्स टू हैपन, एंड वी डू नॉट वॉन्ट समथिंग एल्स टू हैपन। यानी आप जो करवाना चाह रहे थे फिर वो तो होगा ही नहीं, यानी एक टेम्परेचर की हमेशा अपर लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप बढ़ा ही नहीं सकते। सो इट्स अ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट, यानी आप एक खास हद से ऊपर टेम्परेचर को नहीं लेके जा सकते, इवन आप जितना मर्जी आप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की कोशिश करना चाह रहे हो, अगर टेम्परेचर की अपर लिमिट है इसका मतलब है रेट भी आप एक खास हद तक ही बढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड कैटालिसिस। कैटालिसिस इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग एक कैटलिस्ट जो है वो एड कर देते हैं एक रिएक्शन के अंदर। वो कैटलिस्ट क्या चीज होती है, पहले हम कैटलिस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल होता है, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क डालती है, रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क डालती है, ठीक है। अ कैटलिस्ट इज अ मटेरियल, इट्स अ सब्सटेंस विच चेंजेस the rate of reaction but stays unchanged। ये आप reaction के अंदर डालते तो हो, लेकिन जब reaction खत्म होता है तो catalyst बिल्कुल वैसा का वैसा ही अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी एक catalyst में फिर से define करता हूं, एक ऐसे compound को कहते हैं, for example nickel जो है, normally pure nickel जो है ये as a catalyst act करता है। प्लेटिनम जो है, ये जो रेयर मेटल्स हैं, ये एज कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। अब प्लेटिनम का एक छोटा सा पीस अगर आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के दौरान डाल दो, हाइड्रोजनेशन अगर आप करा रहे हो तो वो बहुत ही फास्ट हो जाती है हाइड्रोजनेशन। और प्लेटिनम एट दी एंड ये नहीं होगा कि प्लेटिनम सारा खत्म हो जाएगा, प्लेटिनम तो पता है आपको एक बहुत महंगा मेटल है, तो आप ये तो नहीं करोगे ना हाइड्रोजनेशन कराने के लिए आप प्लेटिनम सारा जाया करते जाओ। प्लेटिनम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट स्टेज केमिकली अनचेंज्ड, आई शुड राइट केमिकली अनचेंज्ड, ये केमिकली इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिएक्शन का रेट जो है उस पे फर्क डाल देता है, रेट को ज्यादा भी कर सकता है और रेट को कम भी कर सकता है, ठीक है। रेट को ज्यादा करना तो सेंस बनती है, रेट को जब कम किया जाता है तो इस किस्म के कैटालिसिस को, इस किस्म के कैटलिस्ट डालने को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। आई रिपीट, नेगेटिव कैटालिसिस जो है इट्स अ टाइप ऑफ कैटालिसिस, यानी जिसके अंदर आपका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कम कर रहे होते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंटेंशनली डिक्रीज्ड, इसकी क्या वजह होती है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं और आप चाहते हो कि वो जल्दी ना हो। फॉर एग्जांपल, जो गाड़ियों का इंजन होता है, इट्स अ बेसिकली पिस्टन इंजन,
इसके अंदर जब भी फ्यूल डाला जाता है ना, तो एक पिस्टन सा होता है, लंबा सा सिलेंडर होता है, उसके अंदर यूं एक पिस्टन मूव कर रहा होता है और यहाँ पे आपके पास फ्यूल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है, यहाँ नीचे एक स्पार्क प्लग लगा होता है जो उसको आग लगाता है, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है जिसकी वजह से पहिया घूमता है, ठीक है। ये कहानी आपको ना भी पता हो, इट्स ऑल राइट। अब इसमें जो आपको ये काम की बात है कि जब ये पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है, जब ये कंप्रेस होता है उसके बाद स्पार्क प्लग ऑन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिएक्शन इतना तेज हो जाता है पेट्रोल और एयर का कि ऑटोमेटिकली आग लग जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन। वो ऑटोमेटिकली उसको आग लग जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग प्री इग्निशन भी बोलते हैं। प्री इग्निशन का मतलब है अभी आग लगने का टाइम नहीं आया था, उस पर पहले ही आग लग गई है, यानी अभी तक पहिया थोड़ा आधा ही घुमा था, ठीक है, यानी अभी यहां पे आया था, ये अभी तक यहां तक पहुंचा ही नहीं था पिस्टन कि उसको वापस आग लग गई अंदर और उसको फिर धक्का लगा पीछे की तरफ, वो यहीं से फिर वापस चल पड़ा, ठीक है। तो फिर वैसे अगर पूरा व्हील घूमने में प्रॉपर थ्रू आउट फोर्स लगती है, इस दफा जो है वो खास हद तक लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। इन अदर वर्ड्स बहुत सारा इनएफिशिएंट ये प्रोसेस हो जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि जो रिएक्शन है बिटवीन ऑक्सीजन एंड द फ्यूल जो भी आपने यूज किया हुआ है, ऑक्टेन नॉर्मली एज अ फ्यूल यूज हो रहा होता है, गैसोलीन जिसको हम बोलते हैं, इसको आप स्लो करना चाहते हो। इसको स्लो करने के लिए हम बीच में टेट्रा इथाइल लेड डालते हैं, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड बेसिकली क्या चीज है, एक लेड का कंपाउंड है, पीबी के साथ आपने चार इथाइल ग्रुप्स लगाए हुए होते हैं। इथाइल ग्रुप इज बेसिकली CH3 CH2, फाइव टाइम्स आपने इसके गिर्ड लगाया होता है, दिस इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल, फोर टाइम्स इथाइल ग्रुप एंड साथ इसके लेड है, लेड फोर यहां पे यूज हुआ है, सॉरी मैंने नीचे इधर पांच लिख दिया, इट इज फोर। तो टेट्रा इथाइल लेड रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है, और ये टेट्रा इथाइल लेड बेसिकली एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो के रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर रहा है, सो इस प्रोसेस को हम लोग नेगेटिव कैटालिसिस बोलेंगे। अच्छा, यहां तक आपको ये तो भी थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि कैटलिस्ट हम कहते किस चीज को है और कैटालिसिस करता क्या है, कैटलिस्ट हम किस चीज को कहते हैं और कैटालिसिस से होता क्या, रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क। अब वो कैसे फर्क पड़ता है, क्वेश्चन एक्चुअली ये है, हाउ डज अ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाए, तीन चार लेक्चर्स पीछे, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बारे में बात की थी, जिसमें वाई एक्सिस में हमने पोटेंशियल एनर्जी रखी होती थी और एक्स एक्सिस में रिएक्शन का पाथ होता था, यानी किस हद तक रिएक्शन हो चुका है। जो आइडियल कह रहा हूं, जो टिपिकल सा आपके पास ग्राफ बनता था, वो हमेशा कुछ ऐसा होता था, यूं करके ऊपर जाता था एंड देन नीचे आ जाता था, यूं करके सेटल डाउन हो जाता था। यहां से ग्राफ स्टार्ट होता था, ये आपके पास रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स की आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ये बढ़ना का क्या शो कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी जब भी बढ़ती है तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है। तो जो जो आप यूं आ रहे हो, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, बेसिकली जब तक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई है, इसका मतलब है यहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है दैट इज अ कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो जो जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ठीक है। ये वही वाली बात है कि आप एक स्टोन ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, तो उसकी चूंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, स्पीड बढ़ रही होती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है, उसकी हाइट जमीन से कम हो रही होती है, या आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हो वैसे तो बात। नाउ यहां पे आपके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये पीक की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब है वो सारी काइनेटिक एनर्जी कहां गई, सॉरी, ये सारी काइनेटिक एनर्जी जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। एक मिनिमम एनर्जी चाहिए थी ना, एक्टिवेशन एनर्जी जिस पे जाके रिएक्शन होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी पे चेंज हो जाएगी, और फिर जब यहां से आगे आप चलोगे तो आप बेसिकली प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता की स्पीड जो है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो बाउंस बैक करके प्रोडक्ट्स यहां पे आपके पास फॉर्म हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब बेसिकली मैंने आपको ये कहा था कि यहां रिएक्टेंट से कहानी शुरू होती है और एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है, यानी कम से कम इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए होती है आपको एक्टिवेट करने के लिए रिएक्शन को। अब बेसिकली कैटलिस्ट ये करता है कि कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी वो यूं करके एक सेपरेट रिएक्शन पाथ दे देता है, जो कि सेम प्रोडक्ट्स बना रहा होता है, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है ये बेसिकली न्यू लाइन है, अब इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिड्यूस हो गई है।
अब चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब ये हुआ कि जो इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, एक्टिवेशन एनर्जी इसी को कहते हैं ना, डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज कि जो इफेक्टिव कोलिजन करवाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ईए, वो एनर्जी जो है वो बहुत कम हो गई है। इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जो आपने मैक्सवेल बोल्ट्समैन कर्व देखा था, मैक्सवेल बोल्ट्समैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो था, उसके अंदर बहुत सारे अब ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो पोजेस करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। मैक्सवेल बोल्ट्समैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वॉज लाइक दिस, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल कर्व जो इसका सेंटर होता है, ये आपको बता रहा होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज वैल्यू है जो मैं टेम्परेचर से आप निकालते हो, और जो वाई एक्सिस है ये आपको बता रहा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल ये कर्व आपको ये बता रहा है कि इतनी मखसूस काइनेटिक एनर्जी जितनी भी ये है, इतने मॉलिक्यूल्स की इतनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब पहले जो था वो ये था कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी ये, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इट्सेल्फ एनर्जी, तो एनर्जी एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट कर सकते हो इस पे। अब एक्टिवेशन एनर्जी थी इतनी, सो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी से राइट साइड वाले जितने भी थे ना मॉलिक्यूल्स, ये सारे इफेक्टिव कोलिजंस करने में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक हो गया, ये बात क्लियर है आपको। अब ये हुआ कि चूंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ही कम हो गई है, यहां पे आ गई है एक्टिवेशन एनर्जी, अब ये होगा कि इस लाइन से राइट साइड पे जितने भी हैं ये तमाम के तमाम इफेक्टिव कोलिजंस करने की सलाहियत रखते हैं। अब आप देखो कि पर्पल एरिया ब्लू एरिया की निस्बत कितना ज्यादा है, जितना ये एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज होता जाएगा, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजंस कोलिजंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो जो इफेक्टिव कोलिजंस अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जो अब एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पोजेस करते हैं और वो तमाम रिएक्शन में फिर पार्टिसिपेट करेंगे। इमेजिन करो अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप इस हद तक कम कर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर आप ले एक्टिवेशन एनर्जी, तो फिर सोचो कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में फिर पार्टिसिपेट करेंगे। फिर तो ये सारे, ये जितना भी ये सारा एरिया बन रहा है, ये तमाम के तमाम जो हैं ये इफेक्टिव कोलिजंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी वेरी हाई इन दैट केस। सो अ कैटलिस्ट डज व्हाट, अ कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड as a result of which the rate of reaction increases, ठीक है, this is how a catalyst works. Let's have a description of this in terms of an example. You know, ozone gas जो है it reacts with a single monoatomic oxygen molecule to form two molecules of oxygen to stabilize itself. You know कि ये दोनों जो है ये highly unstable हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज 17.1 किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है, यानी पर मोल आपको 17.1 किलो जाउल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के। इसका जो ग्राफ बनेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इसकी बनेगी, अच्छा इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, एक तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है जो कि ये नहीं है, वो ये वाली डायग्राम होती है, ठीक है, इसमें वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन का पाथ होता है, यानी किस हद तक रिएक्शन हो चुका है। जो नीचे वाला डायग्राम है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्समैन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्समैन कर्व या डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, ये दरमियान की जो लाइन होती है ना, इसे लेफ्ट और राइट साइड पे एग्जैक्टली एक ही चीज होती है इसके, ये एक सिमेट्रिक ग्राफ होता है। अच्छा, लेट्स कम बैक हियर, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होती है वो इस रिएक्शन की टिपिकली कुछ इस तरह की होती है, ये ऊपर जाता है पहले, ठीक है, ऊपर जाता है, यहां पीक तक पहुंचता है और उसके बाद नीचे बहुत सारा नीचे आ जाता है, यहां पे आके सेटल डाउन हो जाता है। बहुत सारा नीचे आने का प्रैक्टिकली आप मतलब समझते हो, यानी ये आपके रिएक्टेंट्स है ना, दिस वॉज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है निस्बतन रिएक्टेंट्स के, जिस बात का मतलब ये हुआ कि
ओवरऑल एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी। प्रोडक्ट्स की इतनी एनर्जी है, रिएक्टेंट्स की इतनी थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और होना भी चाहिए, इट्स अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसकी वजह यह है कि ये दोनों अनस्टेबल चीजें हैं जो स्टेबल होने की कोशिश कर रही हैं, तो जिसमें डेफिनेटली एनर्जी ओवरऑल रिलीज होती है। बट प्रॉब्लम यह है कि ओवरऑल तो रिलीज होती है बट स्टार्ट में आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी इतनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि 17.1 किलो जाउल्स पर मोल है, जो आपको हर सूरत रिक्वायर्ड है। ओके, सो दिस लेक्चर इज गेटिंग लॉन्गर, लेट्स जस्ट पॉज इट ओवर हियर, विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम दिस प्लेस। हम इसी ग्राफ से आगे इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करते हैं।